ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाल, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहाँ के मुसलमानों के लिए आदर्श है। अशफाक उल्ला खान, इब्राहिम खान गारजी, इतिहास काल से चलता आया है, उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है।